फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ काया पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा है अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि इसके प्राइस क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर, और मैं आपको इसे क्या मुझे दिखाऊंगी। लेकिन उस पर पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी का समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है काया का इंस्टेंट क्लेरिफाइंग HD पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि देता है 2 हफ्तों में विजिबल रिजल्ट। इसके अंदर है एल्जेरिक एंड फाइटिक एसिड जो कि आपकी हर तरीके की स्किन के लिए बेस्ट है। ये जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हें मिलकर बनाया है, रिसर्च करी है और फिर इसको बनाया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी आउटर पैकेजिंग जो है ये है कार्डबोर्ड की जिसमें सिल्वर और स्काई ब्लू कलर का पूरा बॉक्स है ये। तो इसके पीछे आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर बता रखा है कि ये जो है ये आपकी स्किन के अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई भी एज स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, टैनिंग होती है या कोई भी मार्कर होता है उसे ये ख़त्म करता है। तो इसके जो एसिड वगैरह हैं ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं सभी स्किन टाइप के लिए। इसके बाद जो इसके बैक पे देखते हैं तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन दे रखा है कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको अपने फेस धोना है उसके बाद इसे यूज़ करना है हर रात को सोने से पहले। इसकी कॉस्ट जो है वो है 1190 रुपये 30 ml के लिए। तो ये थोड़ा कॉस्टली है बट अगर इसकी रिजल्ट की बात करिए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाए तो फ्लॉलेस स्किन के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके की इंडिकेटर्स का जो है वो इसके पीछे मेंशन है, तो आप चाहें तो यहाँ पर पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे साइड में देखते हैं तो यहाँ पर इसे यूज़ करने का पूरी डायरेक्शन दे रखे हैं कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो ये जो है आपको अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है, फेस को धोना है, उसके बाद जो है आपको दिन का पूरा इसका दे रखा है कि किस तरीके से आपको दिन का जो रूटीन है वो फॉलो करना है एंड शाम को सोने से पहले इसे यूज़ करना है। तो क्लींस करिए अपने चेहरे को किसी भी अच्छे फेस वॉश से या क्लींजर से, उसके बाद टोनर करिए उसका इसे लगाइए। तो ये जो है ये रात का इसका यूज़ करने का तरीका है। उसके बाद जो यहाँ पर बार कोड है एंड ऊपर एक लोगो है। तो ये तो था इसकी आउटर पैकेजिंग। तो मैं इनर पैकेजिंग की बात करती हूँ तो आप इसे खोलेंगे यहाँ से तो देखिए काफ़ी अच्छे से पैक हो क्या है। तो कोई भी इसका कोई प्रोडक्ट है जो बाहर ना निकले तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे से ग्रिप दे रखी है ताकि अच्छे से ये निकल सके। तो आप जब इसे निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये एक जो वाइट कलर की बोतल है जिस पर पंप लगा हुआ है और यहाँ पर ये इसकी कैप है। तो ये काफ़ी अच्छे से पैक हो रखा है। तो ये जो है इस तरीके से है पूरा। तो ये जो है इस पर भी वही सब लिखा हुआ है जो इसकी आउटर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर एल्जेरिक और फाइटिक एसिड है, ये सभी स्किन टाइप के लिए है। और फाइटिक एसिड इसका जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा है। तो ये बाकी सारी वही इंफॉर्मेशन है जो इसकी आउटर पैकेजिंग पे थी और डायरेक्शन यूज़ जो है वो सब कुछ भी उसी तरीके से दे रखा है। तो ये आपकी एंटी एजिंग के लिए और किसी भी तरीके की डार्क स्पॉट के लिए, टैनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और ये 2 हफ्तों के अंदर विजिबल रिजल्ट देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी ही। अगर मैं आपको उसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लोज है और देखिए इस तरीके से इसका पंप है और आप इसे जब निकालते हैं तो ये देखिए इस तरीके का येलो कलर है थोड़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके का ये येलो कलर जो है इसके अंदर प्रेजेंट है और ये जो क्रीम है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत आसानी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये एकदम आपको इरिटेट नहीं करती है। और अगर आप इसे अपने हाथ पे मिक्स करते हैं अपने पाम के बीच में तो देखिए कितनी जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको इसे इस तरीके से रब करना है और फेस पे लगाना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है ये आपकी हर स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन है या कोई एक्ने की प्रॉब्लम है या पिम्पल्स वगैरह पहले आए हैं, उनके दाग हैं, तो उन्हें कम करने ये बहुत अच्छा है। और अगर आप बाहर ज़्यादा रहते हो और टैनिंग वगैरह जाती है तो उसे भी कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से आपको लगाना है और किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो दोस्तों ये जो बोतल है इसका आप कैप हटाएंगे और पंप के थ्रू जितनी भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको क्रीम चाहिए आप उसे अपने पाम पे लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने मसलते हुए इस क्रीम को जो है अपने फेस पे लगाएंगे डैब मोशन में। तो डैब करते हुए अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से पेंटेट हो जाती है और उसका जो इफेक्ट है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत जल्दी मिलता है। तो आप इसे रब ना करें और सीधे दबाते दबाते अपने फेस पर लगाइए डैब करते हुए कुछ इस तरीके से।
तो दोस्तों काया का ये जो पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है ये बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपर आप अपना मेकअप भी लगा सकते हैं और रात के टाइम अपने जो स्किन केयर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर सबको समराइज करके एक बात बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन होता है तो अपने पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करिए, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाने से आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। एंड एंड में मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी ने इतना कीमती समय अपना मुझे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच।